शुक्रवार को विधानसभा में राज्य सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकृत कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। उनके मित्रों की छत्तीसगढ़ की खदानों पर निगाह है, जिसमें छत्तीसगढ़ की सरकार उनके बीच आ रही है। कुछ भी हो जाए, छत्तीसगढ़ के हित से कोई समझौता नहीं होने देंगे। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। देखिए, जो हम लोग काम किए हैं, हम वो लोग हैं जो जनता से वादा करते हैं और जनता के वादे में खरा उतरने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो वादा किया था किसानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से, महिलाओं से, युवाओं से, जो वादा हमने किया है उसमें हम खरा उतरे। और इन्हीं मुद्दों को लेकर जो सेवाएं दी हमने, उसमें उसी आधार पर हम वोट मांगे। बिल्कुल सही बात है, 5 सालों में देखिए कि नक्सलवाद कितना पीछे हो गया। नहीं तो सारे मीडिया है वो भरा पड़ा रहता था, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। विधानसभा में पहला कोई स्थगन या ध्यानाकर्षण लगता था नक्सल के मामले में लगता था, लेकिन आज अविश्वास प्रस्ताव में भी, पिछले अविश्वास प्रस्ताव में भी, अविश्वास प्रस्ताव में किसी सदस्य ने चर्चा नहीं, केवल अंतिम में नेता प्रतिपक्ष ने उस मुद्दे को उठाया। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ बस्तर के विधायकों ने उसका कड़ा प्रतिवाद किया, उसे स्पष्ट है कि नक्सलवाद बहुत पीछे हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत पीछे हो गया है। अब उसको समर्थन नहीं है बस्तर के लोगों का।